राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम रमन है और आप देख रहे हैं खेती की जानकारी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में सब्जी वर्गीय फसलों में कीटों के नियंत्रण हेतु छिड़काव में प्रयोग किए जाने वाले कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी देंगे। कॉम्बिनेशन में दो कीटनाशकों का प्रयोग करके फसल की सुरक्षा और हमारी लागत दोनों को ध्यान रखते हुए आपको जानकारी मिलेगी। भिंडी, टमाटर, बैंगन, हरा मिर्चा, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इन सभी सब्जियों में रस चूसने वाले कीटों का तथा चबाने वाले कीटों का प्रकोप रहता है। प्रति 15-16 लीटर वाले स्प्रे पंप में इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG, जो कि एक दानेदार कीटनाशक है, साथ में थायमथॉक्सम 25% WG, ये भी एक दानेदार कीटनाशक है, दोनों को एक साथ एक स्प्रे पंप में घोल बना करके अगर आप अपनी फसलों पे छिड़काव करते हैं तो सभी तरीके के कीटों के ऊपर 15 दिनों तक अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इंडो स्विस केमिकल्स लिमिटेड का थायमथॉक्सम 25% WG गिज्मो के नाम से आता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। इसका 1 किलो का पैक लगभग 1,000 रुपये का आता है। ये ब्लू लेबल का इंसेक्टिसाइड है। आपके क्षेत्र में जिस भी अच्छी कंपनी का थायमथॉक्सम 25% WG मिले, आप प्रयोग में ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कीटनाशक दवा के बारे में, जिसका टेक्निकल है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG। इंडो स्विस केमिकल्स लिमिटेड का ये प्रोएक्टिव के नाम से आता है। इसका 1 किलो का पैक लगभग 3,500 रुपये का आता है। ये येलो लेबल का कीटनाशक है। आपके क्षेत्र में जिस भी अच्छी कंपनी की इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG मिले, आप प्रयोग में ले सकते हैं। सभी का रिजल्ट एक समान है। इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG अधिकतर चबाने वाले कीटों के ऊपर अपना रिजल्ट देती है, चाहे वो फल छेदक हो चाहे वो तना छेदक हो, सभी पे पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो सकता है। वहीं थायमथॉक्सम 25% WG सभी तरीके के रस चूसने वाले कीटों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण देती है। प्रयोग मात्रा की अगर हम बात करें तो प्रति 15-16 लीटर वाली टंकी में थायमथॉक्सम 25% WG की अधिकतम मात्रा 15 ग्राम तक ले सकते हैं, और साथ में इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG इसकी भी प्रयोग मात्रा 15 ग्राम तक ले सकते हैं। ये दोनों ही कीटनाशक दवाएं फसल की किसी भी अवस्था में छिड़काव में लिया जा सकता है। ये पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हैं। वीडियो में बताई हुई फसलों के अलावा अन्य सब्जी वर्गीय फसलों में भी इन कीटनाशक दवाओं का कॉम्बिनेशन प्रयोग में लिया जा सकता है। वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक करें, वीडियो अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि दी गई जानकारी का वह भी लाभ ले सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।